नमस्कार, अभी मैं खड़ा हूँ राजसमंद आरटीओ के बाहर, और राजसमंद आरटीओ ऑफिस आने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, तो अगर आप राजसमंद की तरफ से आ रहे हैं तो फिर आपको राजसमंद से होते हुए हाईवे की तरफ से आप आ सकते हैं, और रास्ता कैसा है वो देखिए आप। तो असली खूबसूरती तो वहाँ है। अब जो रास्ता ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें ये शानदार तरीके से पड़े हुए गड्ढे, बिखरी हुई कंक्रीट, बिखरी हुए पत्थर, और उसके साथ उन तमाम चीज़ों को सहेज समेट कर उसकी खूबसूरती बढ़ाता हुआ ये गड्ढों में भरा हुआ पानी, सड़क के अलावा सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तो ये रास्ता होता है जिस रास्ते से आप राजसमंद की तरफ से आरटीओ ऑफिस आ सकते हैं। एक रास्ता और है, वो रास्ता है भैया सुंदरचा और डिप्टी की तरफ से आप चाहें तो उधर से भी आप आरटीओ ऑफिस आ सकते हैं। चलिए उस रास्ते को भी देख लेते हैं। तो अब जो स्क्रीन पर चल रहा है ये है सुंदरचा और डिप्टी वाला रास्ता। अरे आपको लग रहा होगा पहले वाला रास्ता चला दिया मैंने, नहीं नहीं, ये सुंदरचा से डिप्टी से आएंगे तब वो वाला रास्ता है। बिल्कुल जैसे फोटोकॉपी करके उधर रखा हो ना पहले वाले रास्ते को, वैसा लग रहा है। उसी तरह की कंक्रीट, उसी तरह के ईंट पत्थर, उसी तरह के खड्डे, और उसी तरह का उन खड्डों में भरा हुआ दूर दूर तक पानी। तो अब आपने दोनों ही तरफ के रास्ते देख लिए। ये दो रास्ते होते हैं जिनसे आप आरटीओ ऑफिस आ सकते हैं। अब हो सकता है ये रास्ते मैंने दिखाया तो आपको लग रहा हो कि यार अब ये इन रास्तों को ठीक करवाने के लिए बात करेंगे, ये कहेंगे कि यार आम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं तो इन रास्तों को ठीक किया जाए, मगर मैं आज ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा। लोग बार बार मेरे को फ़ोन करके मैसेज करके बोलते भी हैं कि हमारी इस डिप्टी सुंदरचाली रोड का वीडियो बनाओ, इसकी बात उठाओ, तो मैं उन लोगों के समर्थन में नहीं हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि इन गड्ढों को सही करो, क्योंकि रोड का टूटना, गड्ढे पड़ना, फिर लोगों का परेशान होना, लोगों का रोज़ रोज़ कहना इसको ठीक कर दो, फिर सड़क का ठीक होना, ये तो बहुत सामान्य प्रक्रिया है, बड़ी आम प्रक्रिया है। इसमें क्या मज़ा है? मज़ा तो तब है जब उन खड्डों से भी हम एक ऐसी कोई चीज़ निकाल दे जो हमारा इस दुनिया भर में नाम रोशन कर दे। तो ऐसे ही एक इनोवेटिव, ऐसे ही एक ताज़ा तरीन आइडिया के साथ मैं आया हूँ कि इन खड्डों को हम इसी रूप में रखते हुए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे हमारा नाम कैसे हो सकता है। तो वो ऐसे हम ये कर सकते हैं। सरकार से मैं आग्रह करूँगा, ज़िम्मेदारों से आग्रह करूँगा कि इस आरटीओ ऑफिस में जो भी अब लाइसेंस लेने आवे कि भैया हमको लाइसेंस की ज़रूरत है, लाइसेंस के आवेदन करता जितने भी आवे, या फिर गाड़ियों की फिटनेस कराने जितने भी लोग आवे, उनको हम इन खड्डों के माध्यम से बड़ा ही शीघ्र लाभ दे सकते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इन खड्डों को पार करके रास्ते, दोनों ही रास्तों में से किधर से भी आ जावे, उसको तुरंत प्रभाव से आते ही लाइसेंस दे दो आप। सबसे पहले तो उसकी गाड़ी, जैसे ही वहाँ बाइक रोकता है, वो स्कूटी रोकता है, कार रोकता है, तो उसको रुकते ही पहले माला पहनाओ, इकले ही पहनाओ, और उसको तिलक लगाकर मुंह मीठा कराते उसको लाइसेंस सौंप दो। कोई कागजी कार्रवाई मत करो, कोई टेस्ट मत लो, कोई किसी प्रकार के ट्रायल मत लीजिए आप, क्योंकि जो इन खड्डों में, जो इन रास्तों में, जो इस पानी से भरे हुए भारी भारी गड्ढों में गाड़ी चलाकर सुरक्षित आपके आरटीओ ऑफिस तक पहुंच गया, उससे बढ़िया ड्राइवर कौन हो सकता है? उसके तो आप सर्टिफिकेट दो, उस लाइसेंस पे भी नीचे लिखो आप कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ड्राइवर। ये आप ऐसे लाभ इसमें आप कर सकते हैं। और दूसरा जो रास्ता है वो रास्ता होता है कि अगर कोई फिटनेस कराने आ रहा है आपके पास, कि गाड़ियाँ लेके आ रहा है कि भैया हमारी गाड़ियों की फ़िटनेस करनी है, तो अगर वो गाड़ियाँ भी इन भारी भरकम खड्डों में गिरती पड़ती, चलती अटकती, कभी हिचकोले खाती, कभी डावाडोल होती हुई भी अगर आपके आरटीओ ऑफिस पहुंच जाती है, तो उस गाड़ी को भी तुरंत प्रभाव से आप फिटनेस का सर्टिफिकेट पकड़ा दीजिए। क्योंकि साहब, इन रास्तों में, इन खड्डों से भरे हुए, पानी से भरे हुए खड्डों में जो गाड़ी बिंदास आपके इस आरटीओ ऑफिस तक पहुंच गई, उससे बढ़िया फिटनेस तो किस गाड़ी की होगी? तो मैं चाहता हूं कि ये सरकार इस नवाचार के बारे में सोचे। ये आम आदमी, ये तो इनका तो रोज का है, देखो मैं तो सही, मैं तो स्पष्ट कहने वाला आदमी हूँ, इनका रोज का है। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, सुबह सुबह स्कूल की बसें जाती है, उनमें बच्चे थोड़े परेशान होते होंगे, थोड़ा एक खतरा बना रहता होगा। ठीक है ना यार, इतना बड़ा नवाचार, इतने बड़े इनोवेटिव आइडिया के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, इधर से कोई बीमार जाते होंगे तो वो थोड़े परेशान होते होंगे, वो भी चलता है, वो तो बीमारी तो अब पहले से ही है, थोड़ी और बढ़ जाएगी इन खड्डों से। बाकी आम रोज़ जो आ रहे जा रहे हैं उनको तो अब एक एक खड्डे का सब पता है कि कौन सा गहरा है, किसमें गिरूंगा तो मैं टांग टूटेगी, किसमें गिरूंगा तो सिर्फ थोड़ा मोटा छोटा मोटा छिलूंगा, वो सब पता है उनको, रात दिन का काम है उनका। तो उनके अपने किसी को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इन खड्डों को हो सके थोड़ा और बढ़िया बड़ा बनाकर अपने को तो इस पूरी दुनिया के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल बनाना है कि किस प्रकार से हमारे राजसमंद में इन सड़कों के गड्ढों के माध्यम से हमने फिटनेस और लाइसेंस देने की प्रक्रिया चालू कर दी है। आप मेरी बात का विश्वास करिए, अगर हम ये कर पाए, अगर सरकार इस तकनीक को अप्लाई कर पाई, इस तकनीक के माध्यम से हम लाइसेंस और ये फिटनेस के सर्टिफिकेट बांट पाए,
तो पूरी दुनिया के तमाम वैज्ञानिक, पूरी दुनिया के तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ आएंगे और इस तकनीक को अपने वहाँ लेकर जाएंगे। यकीन मानिए वहाँ बढ़िया बढ़िया सड़कों पर वो अच्छे अच्छे गड्ढे बनवाएंगे ताकि वहाँ पर भी इन गड्ढों के माध्यम से लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट बांटे जा सके। तो आज इन सड़कों को ठीक कराने की जो भी बात करते हैं उन तमाम बातों को अनसुना करते हुए मेरी इस बात पर सरकार गौर करे, मेरी इस बात पर जिम्मेदार लोग गौर करें कि हमको इन सड़कों के गड्ढों के माध्यम से ये नया आइडिया लगाते हुए, ये इनोवेटिव आइडिया लगाते हुए एक कोशिश करनी है जिससे कि पूरी दुनिया भर में हमारे राजसमंद का नाम रोशन हो सके। तो इन गड्ढों के माध्यम से, इन टूटी हुई सड़कों के माध्यम से राजसमंद के नाम को रोशन करने की दिशा में आप और हम सभी आगे चलते हैं। और साथ ही मैं जो इस क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि रोज़ रोज़ सड़कों की बातें करना बंद करें, इन गड्ढों को अपना जीवन का अमूल्य हिस्सा समझते हुए वो भी सरकार से आग्रह करें कि भैया हम तो रोज़ की रोज़ तकलीफें झेल लेंगे, आप तो इनमें गुजरने वालों को फिटनेस और लाइसेंस बांटना चालू करो ताकि हमारे इस ज़िले का, हमारे इस शहर का, हमारी इस सड़क का नाम रोशन हो सके। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए, ऐसी ही चीज़ों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे राजसमंद एक्सप्रेस। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।